राधे राधे दोस्तों, आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा एमपी पटवारी का, जिसमें मैंने आपको सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी बताई थी, कितने सब्जेक्ट से किस सब्जेक्ट से कितना पूछा जाएगा। तो सेकंड वीडियो आपके लिए मैं लाया हूँ मैथ्स का। मैथ्स में आपसे किस किस विषय पर पूछा जाएगा पूरा इस वीडियो में देखिए, आपको बताऊंगा कहाँ से कितना पूछा जाएगा और क्या क्या पूछा जाएगा। तो जो मैथ्स में पूछा जाएगा आप लोगों से एमपी पटवारी के लिए, वो इसमें 30 वो दिए गए हैं, 30 सब्जेक्ट्स पे पूछा जाएगा। तो पहला सब्जेक्ट जो आपका कैलकुलेशन ट्रिक्स पे पूछा जाएगा, और जो आपका दूसरा है इंट्रोडक्शन एंड सिलेबस है, ठीक है, तो नहीं, तीसरा सब्जेक्ट जो हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पूछा जाएगा, चौथा जो है आपका क्वालिफिकेशन ऑफ इक्विटी में पूछा जाएगा, पाँचवा जो है कोऑर्डिनेशन एंड जेमोट्री के बारे में पूछा जाएगा, छठा सब्जेक्ट जो आपका एस्थेटिक्स के बारे में पूछा जाएगा, सातवा है आपका अर्थमेटिक के बारे में पूछा जाएगा, और पांचवा है जो आपका आठवां सॉरी नंबर सिस्टम्स के बारे में पूछा जाएगा, और जो नौवा है एलसीएम और एससीएफ के बारे में पूछा जाएगा, दसवा है सिंप्लीफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा, ग्यारहवा जो है रेशो एंड प्रोफेशन के बारे में पूछा जाएगा, बारहवा है परसेंटेज के बारे में पूछा जाएगा, और जो आपका फिर तेरहवा है सिंपल जो आप इंटरेस्ट निकालते हैं उसके बारे में पूछा जाएगा, चौदह जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पूछा जाएगा, और पंद्रहवा जो है टाइम स्पीड्स एंड डिस्टेंस के बारे में पूछा जाएगा, सोलहवा जो है प्रोनाउंस प्रमोनेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के बारे में पूछा जाएगा, एंड प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछा जाएगा, सत्रहवा है आपका जो ट्रेंस का क्वेश्चन आते हैं वो ट्रेंस के बारे में पूछे जाएंगे, और जो अट्ठारहवा है वो चेन रूल्स होता है, जो चेन सिस्टम होता है क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो उन्नीसवा है सडर्स एंड इंडिकेटर्स के बारे में पूछा जाएगा, और जो बीसवा है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पूछा जाएगा, इक्कीसवा है जो डाटा इंटर प्रोग्रेशंस के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो बाईसवा है बूट एंड स्ट्रीम्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तेईसवा टाइम एंड वर्क के बारे में पूछा जाता है, चौबीसवा है पिप एंड सिस्टम्स के बारे में पूछा जाएगा, और पच्चीसवा जो होता है वो एवरेज के बारे में पूछा जाएगा, और 26वां जो है आपके बारे में पार्टनरशिप के बारे में पूछा जाएगा, 27वां एल्गोरिथम के बारे में पूछा जाएगा, एल्गोरा के बारे में पूछा जाएगा, और 28वां है मेंस एंड सुक्रेशंस के बारे में पूछा जाएगा, और जो 29वां है पॉलीनोमियल के बारे में पूछा जाएगा, और 30वां जो है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पूछा जाएगा। तो ये आपका जो मैथ्स का है, इसमें मैथ्स में इतने सब्जेक्ट्स के बारे में आपके जो एमपी पटवारी के क्वेश्चन बन के आएंगे, तो आप बिल्कुल इस पर तैयारी करिए, इससे ज़्यादा बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो भी डालूंगा आपको फुल जो आपके जितने क्वेश्चन बनेंगे एमपी पटवारी में। तो अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।